डियर स्टूडेंट, हम आज की डेट में रिवीजन कर रहे हैं। चैप्टर का नाम हमारा क्या है? थर्मोडायनेमिक्स है। इन प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या बता दिया है? मैंने आपको गिब्स हेमलटॉज इक्वेशन बताई है फिर से। उसके बाद मैंने आपको वेरिएशन इन चेंज इन एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम मैंने आपको बताया है। मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेरिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम एंड प्रेशर बताया था। आज की डेट में हम एक टर्मोलॉजी पढ़ेंगे, वर्क फंक्शन, और उसका वेरिएशन स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम एंड प्रेशर, और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो आपका वर्क फंक्शन है, इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज हेल्मोटाज फंक्शन या हेमलटॉज फंक्शन, और हेल्मोटाज फ्री एनर्जी। जो आपका वर्क फंक्शन है उसको हम हेमलटॉज फंक्शन भी कह देते हैं, हेमलटॉज फ्री एनर्जी भी कह देते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए साइन ए। और इसको हम क्या करते हैं, ए से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं कि जो आपका वर्क फंक्शन है या जो आपका हेमलटॉज फंक्शन है या जो आपका हेमलटॉज फ्री एनर्जी है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। और बोलता है मैथमेटिकली जो आपका वर्क फंक्शन होता है ए, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, यू माइनस टी एस के बराबर होती है। यहाँ पे एक आपका वर्क फंक्शन होता है, या इसको मैं हेमलटॉज फंक्शन भी कह देते हैं, हेमलटॉज फ्री एनर्जी भी कह देते हैं, ये आपका इंटरनल एनर्जी है और ये आपका क्या है, टेम्परेचर है, ये आपका क्या है, एंट्रोपी है। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जब ये सारे के सारे फंक्शन, ऑल दीज फंक्शन दैट इज इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर एज वेल एज एंट्रोपी, आर द स्टेट फंक्शन कि जब आपका इंटरनल एनर्जी, जब वो आपका एंट्रोपी, चाहे आपका ये जो टेम्परेचर है, ये सारे के सारे क्या हैं, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन आपके वो फंक्शन होते हैं जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब ये आपका, ये तीनों आपके क्या हैं, स्टेट फंक्शन है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका वर्क फंक्शन है उसकी वैल्यू इन टर्मोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है। तो ऑटोमेटिकली जो आपका वर्क फंक्शन होगा, इट इज आल्सो ए स्टेट फंक्शन। सो द वर्क फंक्शन इज आल्सो ए स्टेट फंक्शन। तो जो आपका वर्क फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, ये भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक स्टेट फंक्शन होगा, और ये भी क्या करेगा, इनिशियल और फाइनल वैल्यू के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो बोलता है कि फॉर इनिशियल स्टेट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वन की वैल्यू यू वन इज इक्वल टू टी इन टू एस वन हमारे पास। अब बोलता है साथ में हम ये मान लेते हैं कि कंसीडर करो कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मली होता है। आइसोथर्मली होगा तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ए टू इज इक्वल टू यू टू इन टू टी इन टू एस टू। कंसीडर, यहाँ लिखना पड़ेगा मेरे को, कंसीडर द चेंज इज कैरिड आउट आइसोथर्मली। तो हमारे पास क्या हो गया, तो हमारे पास जो चेंज आ गया, इन दोनों को हम डिफरेंस कर देते हैं, क्या आ जाएगा, ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू यू टू माइनस यू वन माइनस टी इज इक्वल टू एस टू माइनस एस वन आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो आपका डेल्टा ए है उसकी वैल्यू डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस के बराबर होती है। तो ये आपका क्या आ गया, चेंज इन वर्क फंक्शन आ गया। तो जो चेंज इन वर्क फंक्शन है उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के ऊपर, और चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम एट टेम्परेचर टी के ऊपर डिपेंड करेगी। अच्छा, इसके बाद हम जानते हैं कि फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर ए
रिवर्सिबल प्रोसेस, द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट रिवर्सिबली इज नोन एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है जी, तो बोलता है फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस दैट प्रोसीड एट टेम्परेचर टी, दैट प्रोसीड एट टेम्परेचर टी एंड हीट इज एब्जॉर्ब्ड और लॉस्ट आइसोथर्मली एंड हीट इज एब्जॉर्ब्ड और लॉस्ट आइसोथर्मली देन वी हैव तब हमें क्या पता होता है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी, इट इज द रिक्वायर्ड डेफिनेशन ऑफ चेंज इन एंट्रोपी। अच्छा, अब हमें एक और चीज पता है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से हमें एक चीज बताता था, क्या बोलता था कि जो आपका डी यू है उसकी वैल्यू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू के बराबर होती है। या हम और जो चीज जानते हैं कि जो भी वर्क डन होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में वो आपका क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल, साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, प्लस डब्ल्यू मैक्स हमारे पास आ जाएगा। पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जो भी आपका क्या होगा वर्क डन आपका क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है, उस केस में वर्क डन क्या होगा, बाय द सिस्टम होगा। और जब बाय द सिस्टम होगा ऑटोमेटिकली जो आपका वर्क डन क्या होगा, बाय द सिस्टम होगा, तो इसका जो साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका जो साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या नहीं मतलब क्या, डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यों रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्स। क्यों हुआ वो, ये माइनस साइन क्यों यहाँ पे चेंज हुआ, क्योंकि जो वर्क डन था वो क्या था, वो आपका क्या था, मैक्सिमम वर्क डन था। और रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर ही जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो हमारे पास डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास क्यू डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्स। हम जब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है कि डेल्टा ए इसकी वैल्यू आ गई क्यू रिवर्सिबल आ गई माइनस क्या आ गया, डब्ल्यू मैक्स आ गया। ठीक है जी, और हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, माइनस क्या है टी, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू क्या है, क्यू रिवर्सिबल बाई टी है। तो टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, इससे क्या हो गया कि क्यू रिवर्सिबल से क्या हो गया, क्यू रिवर्सिबल चला गया। तो हमारे पास क्या आ गया कि जो डब्ल्यू मैक्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस डेल्टा ए के बराबर होती है। या कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो इक्वेशन है ये हमें ये बताती है कि जब क्या करेगा, डिक्रीज करेगा वर्क फंक्शन, ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा बाय द सिस्टम। देयरफॉर द फंक्शन ए गिव्स इट्स नेम एज वर्क फंक्शन और हैमिल्टोनियन फ्री एनर्जी। सो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारा वर्क फंक्शन है इसको हम क्या कह देते हैं, जो ए है उसको हम क्या कह देते हैं, वर्क फंक्शन कह देते हैं या हैमिल्टोनियन फ्री एनर्जी कह देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है कि वेरिएशन ऑफ वर्क फंक्शन चेंज, इंपॉर्टेंट है, टॉपिक का नाम है कि वेरिएशन ऑफ वर्क फंक्शन, इसको मैं लिख देता हूँ या हैमिल्टोनियन फंक्शन या हैमिल्टोनियन फ्री एनर्जी, ऑल आर द सेम थिंग्स, या विच इज द अनदर नेम ऑफ वर्क फंक्शन। ठीक है जी, विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, जब हम क्या करेंगे टेम्परेचर और वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे या टेम्परेचर और वॉल्यूम की रिस्पेक्ट में कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आपका प्रोसेस क्या होगा, आइसोथर्मल होगा। ऑटोमेटिकली हम उसे हम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसको करने से पहले सबसे पहले मैं आपको वही बात बताना चाहता हूं कि वी नो दैट कि वर्क फंक्शन मैथमेटिकली डिफाइंड एज क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, दैट इज इक्वेशन नंबर वन। अब बोलता है कि चेंज हो रहा, तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे,
ऑन डिफरेंशिएशन। जब इसको क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी गेट क्या आ गया, डी ए इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड आ जाएगी हमारे पास। अच्छा, बाई द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज वी नो दैट, बाई द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि बाई द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज वी नो दैट डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी, और क्या लिखते हैं वैसे, डी एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी, तो सीधा हो गया टी डी एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल, और क्या बोलता है वही चीज फिर से, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, इट मीन्स दैट डी क्यू रिवर्सिबल माइनस पी डी वी आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन क्या होगा, बाय द सिस्टम होगा, तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू क्या होगी, मैकेनिकल वर्क होगा, और मैकेनिकल वर्क किसके बराबर होता है, माइनस पी डी वी के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। तो हमारे पास क्या आ जाता है कि जो डी क्यू रिवर्सिबल है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, डी यू प्लस पी डी वी, दैट इज इक्वेशन नंबर फोर। अब क्या करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फोर इन इक्वेशन नंबर टू, सीधा आ जाएगा हमारे पास कि डी ए इज इक्वल टू डी यू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वैल्यू कैंसिल होगी हमारे पास। तो हमारे पास सिंपल सा क्या आ जाता है कि हमारे पास सिंपल सी वैल्यू आ जाती है, हमारे पास सिंपल सी वैल्यू आ जाती है कि डी ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, डी यू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। तो हमारे पास क्या आ गया, चूंकि जो आपका चेंज इन वर्क फंक्शन होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस पी डी वी और माइनस एस डी टी। अच्छा, एक और कंडीशन है इसके अंदर कि ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, बोलता है दो प्रोसेस होते हैं, पहला क्या है, पहला क्या आ जाता है कि इफ द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, इफ द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, अगर प्रोसेस आपका आइसोथर्मल होगा इसका मतलब क्या है, डी टी की वैल्यू जीरो होगी, तो डी टी की वैल्यू जब जीरो होगी तो जो हमारी इक्वेशन नंबर पांच है उसको हम कैसे लिखेंगे, उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी कि डी ए एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर माइनस पी डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इट मीन्स दैट कि डी ए बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस पी आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसमें इसका सेकेंड केस भी आ जाता है कि इफ द प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस, वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्रेशर की वैल्यू आपकी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, तो ऑटोमेटिकली जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ पे क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जब हम क्या करते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि डी ए एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम माइनस एस डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या आ गया हमारे पास कि डी ए बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस एस। तो ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर सिक्स है, ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर सेवन है। अच्छा, दैट इज इक्वेशन नंबर सिक्स एंड दैट इज इक्वेशन नंबर सेवन। तो बोलते जो आपकी इक्वेशन है, द इक्वेशन सिक्स एंड सेवन गिव्स द वेरिएशन ऑफ वर्क फंक्शन विद वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, गिव्स द वेरिएशन ऑफ
वर्क फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है जी। अच्छा अब मैं इसमें एक बात कह देता हूं कि अगर बोलता है कि जो चेंज इन वर्क फंक्शन जो होता है उसको हम तभी ज्ञात कर पाते हैं जब हमारा क्या होता है, टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, कॉन्स्टेंट होता है, प्रेशर आपका क्या नहीं, आपका प्रोसेस क्या होगा, आइसोथर्मल होगा। तो बोलता है इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट आइसोथर्मली, सो फ्रॉम इक्वेशन सिक्स वी नो दैट कि डी ए बाई डीवी एट टी इज इक्वल टू माइनस पी, दैट इज इक्वेशन नंबर 8। अच्छा अब बोलता है कि जो इसका जो वेरिएशन स्टडी होगा ना बेटा जी वो क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ किसके केस में होगा, इन केस ऑफ एन आइडल गैस होगा। तो बोलता है कि वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि फ्रॉम आइडल गैस इक्वेशन, आपकी आइडल गैस की इक्वेशन क्या है कि पीबी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपकी, एन आर टी बाई वी आ गई। तो आपने इसको क्या कर दिया, इसके अंदर पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया कि डी ए बाई डी वी एट टी इज इक्वल टू माइनस एन आर टी बाई वी आ जाएगा। तो इसको अगर ये डी ए है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो क्या आ जाएगा, माइनस एन आर टी, क्या आ जाएगा माइनस एन आर टी, क्या आ जाएगा यहां पे डी बी बाई वी। अगर हमारे पास वॉल्यूम क्या करता है, बी वन से बी टू क्या करता है, चेंज करता है। अगर हमारे पास क्या करेगा, वॉल्यूम की वैल्यू बी वन से बी टू क्या करती है, चेंज करती है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बन गई, यहां पे चला गया ये, तो ये आपका डी बी बाई बी बन गया। अगर हमारे अंदर चेंज क्या होता है, बी वन से बी टू कोई वॉल्यूम चेंज होता है तो वर्क फंक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब टेम्परेचर आपका क्या है कॉन्स्टेंट है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ जाएगा कि डेल्टा ए माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ बी टू बाई बी वन। इसको मैं क्या कर देता हूँ, ऐसे लिखता हूँ ये वैल्यू हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या था, वी नो दैट, हमें पता था कि डेल्टा ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस डब्ल्यू मैक्स के बराबर होती है। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू है, तो हमारे पास क्या आ गया कि डेल्टा ए इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मैक्स, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ बी टू बाई बी वन आ जाएगी। तो ये इसका क्या है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, अगर मैं इसका साइन क्या कर दूं, बदल दूं, तो ऑटोमेटिकली बी वन बाई बी टू हो जाएगा। तो ये इसकी क्या है, टाइप है सिंपल। अच्छा जी, तो ये आपका रहा, अगर हम जानते हैं कि पूरा प्रोसेस आपका क्या है, आइसोथर्मल बाई नेचर है, तो क्या होगा, पी वन बी वन इज इक्वल टू पी टू बी टू के बराबर होगा। तो बी टू बाई बी वन की वैल्यू किसके बराबर हो गई, पी वन बाई पी टू के बराबर होगी। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ पी वन बाई पी टू आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ये हमारे पास क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा या रिक्वायर्ड डेरिवेशन होगा। तो ये आपका क्या था, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ठीक है जी, ओके।